हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में आप जिस पोजीशन में चाहे बिल्कुल सो सकते हैं, लेकिन आप याद रखें कि आपको पेट के बल बिल्कुल भी नहीं सोना है। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी के 16 वीक कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आपको याद रखना है कि आप पीठ के बल थोड़ी बहुत देर बिल्कुल लेट सकती है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा लंबे समय तक गलती से भी नहीं लेटना है, क्योंकि जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ना स्टार्ट होता है तो आपके जो बेबी का वेट होता है वो भी अच्छा खासा बढ़ने लगता है एंड बेबी की ग्रोथ भी बहुत तेजी से होने लगती है। तो ऐसे में अगर आप पीठ के बल लेटती हैं तो इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी के निचले हिस्से में एक नस होती है जिसका काम होता है ब्लड को दिल तक पहुंचाना। तो जब बेबी का वजन ज्यादा बढ़ जाता है और आप पीठ के बल लेटती हैं तो जो बेबी होता है वो उस नस पर दबाव डालना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से आपको बेहोशी हो सकती है एंड इसके अलावा आपको नींद जैसी महसूस हो सकती है और यह कंडीशन आपके लिए बहुत ज्यादा घातक भी हो सकती है। प्रेगनेंसी में आपको ज्यादातर कोशिश करनी है कि आप लेफ्ट करवट पर ही लेटे। मुझे पता है ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक ही करवट पर लेटना बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है और आप थोड़ी बहुत देर राइट साइड भी बिल्कुल लेट सकती हैं, और आप कोशिश करें कि बढ़ते टाइम पर सीधे बिल्कुल भी ना लेटे, वो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए भी। एंड अगर आप सीधे लेटती हैं तो और एक दिक्कत आती है, क्योंकि जब आप लेटने जाएंगी तब तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, एकदम से लेट जाती हैं सीधी, लेकिन जैसे ही आप करवट लेने की कोशिश करेंगी तो फिर आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आपके प्राइवेट पार्ट में भी बहुत ज्यादा दर्द होगा और आप पैरों को पास पास लाएंगी तो फिर आपको बहुत ही ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ सकता है। और ध्यान रखें कि जब भी लेटे तो पैरों को पास पास एंड चिपका कर ही लेटे, और करवट भी पैरों को चिपका कर ही लेनी है जिससे कि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। और अगर आप रात में सोने के बाद उठती हैं अचानक से, अगर आप अपने आप को सीधा लेटा हुआ पाती हैं तो आप इसमें बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप जो है उठने के बाद अपनी पोजीशन बिल्कुल चेंज कर सकती हैं, क्योंकि बाएं करवट पर लेटना प्रेगनेंसी में सबसे अच्छी पोजीशन मानी जाती है। और जब आप बाएं करवट पर लेटती हैं तो इससे आपके बेबी का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है एंड उसको ऑक्सीजन भी अच्छे से मिल जाती है और बेबी को सारे पोषक तत्व भी पर्याप्त मात्रा में मिलते रहते हैं और आपके शरीर को भी बहुत ज्यादा आराम मिलता है और इससे आपके शरीर में ब्लड फ्लो भी अच्छा रहता है और आपके शरीर के अंदर जो भी विषाक्त तत्व होते हैं वो भी निकल जाते हैं और आप कई तरह के संक्रमण से भी बच जाती हैं। और इसके अलावा आपको प्रेगनेंसी में आराम जरूर करना है, आपको कोशिश करनी है कि आप कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद जरूर लें। और अगर आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।